हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू फोर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। क्वेश्चन में कहता है कि कोई पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो उसको चार ट्राइंगल्स में बांट देते हैं और उन चारों ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है। ए सी और बी डी इसके डायगनल्स हैं जो ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। डायगनल बनने के बाद ये चार ट्राइंगल्स बन गए। इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है ये आपको शो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की डायगनल से रिलेटेड, और वो प्रॉपर्टी ये होती है कि जो डायगनल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी ए ओ की लेंथ बराबर होगी ओ सी के और डी ओ की लेंथ बराबर होगी ओ बी के। इस प्रॉपर्टी का हमारा इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। पहले डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। जहाँ पे वो कटते हैं वहाँ से डायगनल्स की लेंथ बराबर हो जाती है, मतलब उसके टुकड़े जो बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो फिगर के अंदर ए ओ बराबर होगा ओ सी के एंड बी ओ बराबर होगा ओ डी के। अब हम शुरू करेंगे ट्राइंगल ए बी सी से। ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ये जो ए सी साइड है इसके दो बराबर टुकड़े हो रखे हैं, तो बराबर कर कौन रहा है? यहाँ से ये जो बी ओ लाइन जा रही है, यानी कि ए बी सी ट्राइंगल के अंदर बी ओ एक मीडियन हो गया। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बी ओ इज मीडियन। बी ओ मीडियन हो गया, और मीडियन जो होता है वो ट्राइंगल को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है और उनका जो एरिया होता है वो बराबर होता है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी। ये रिजल्ट नंबर वन। इसी तरह से अब ट्राइंगल लेंगे बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी के अंदर आप देखेंगे कि ये जो बी डी साइड है ये सी ओ की वजह से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, तो यानी इसमें सी ओ मीडियन हो गया। तो सी ओ इज मीडियन, और मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। तो यहां से हमें मिल गया एरिया ऑफ बी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ओ डी। देयरफॉर एरिया ऑफ बी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ओ डी। ये रिजल्ट नंबर टू है। इसी तरह से अब हम ये ट्राइंगल ले लेंगे सी डी ए। इन ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ए के अंदर ये जो ए सी है, ये जो साइड है ए सी, इसके भी दो बराबर टुकड़े हो रखे हैं ए और ओ सी, और इन्हें कर कौन रहा है? इन्हें डी ओ कर रहा है। तो डी ओ इसके अंदर मीडियन हो गया। तो डी ओ इज मीडियन। अब डी ओ जब मीडियन हो गया तो सी ओ डी का एरिया और डी ओ ए का एरिया आपस में बराबर होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ओ ए। ये मेरा रिजल्ट नंबर तीन। अब इन तीनों रिजल्ट से हमारा मेन आंसर आ जाएगा। हमें शो करना था कि ए ओ बी का एरिया बी ओ सी के बराबर है, बराबर वो सी ओ बी के भी है और बराबर वो डी ओ ए के भी है। यानी चारों के चारों ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो बराबर है। अब फ्रॉम वन टू एंड थ्री। वन में हमें क्या मिल रहा है? ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी। ए ओ बी का जो एरिया है वो बराबर है एरिया ऑफ बी ओ सी। सेकेंड में हमें मिल रहा है कि बी ओ सी का एरिया सी ओ डी के बराबर है। तो यहां बी ओ सी के सामने मैं एरिया सी ओ डी लिख सकता हूं, ये एरिया सी ओ डी के बराबर है।
थर्ड में मुझे मिल रहा है कि एरिया ऑफ सी ओ डी वो एरिया ऑफ डी ओ ए के बराबर है, तो यहाँ सी ओ डी के सामने मैं एरिया ऑफ डी ओ ए लिख सकता हूँ। अब यहाँ से आप देखें, ये चारों के चारों जो हैं, ये ट्राइंगल्स जो बने हैं, ये सारे एरिया में बराबर है, और इन्हें बराबर कर कौन रहा है, ये डायगनल्स ही तो कर रहे हैं, यही हमें शो करना था। तो हैंस लास्ट में अपना रिजल्ट लिख दें जो आपको लैंग्वेज में शो करना है, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू फोर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो हम कह सकते हैं कि जो डायगनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो पैरेललोग्राम को चार इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।